ठीक। तो लास्ट क्लास में हमने बात की थी डेटा फॉर्मेट्स की, राइट। इसमें हमने देखा था एक्सएमएल, जेसोन और यम। आई होप आपने भी वो वीडियो रिवाइज किया होगा। आज हम खेलेंगे थोड़ा सा किसके साथ, नेट कॉन्फ के साथ यार, ठीक है। नेट कॉन्फ की हम अपनी बेसिक सबसे पहली स्क्रिप्ट लिखेंगे एक, जिसमें हम नेट कॉन्फ की हेल्प से इंफॉर्मेशन को क्या करेंगे, रिट्रीव करेंगे। अब मैंने आपको उसके इंट्रोडक्शन वाले दिन बताया था कि आपके पास उसमें कुछ फंक्शंस हैं, जैसे कि फंक्शन था गेट कॉन्फिग, सॉरी गेट था, गेट कॉन्फिग था और एडिट कॉन्फिग था। ऐसे आपके पास नेट कॉन्फ में क्या थे, कुछ फंक्शंस थे, और भी फंक्शंस हैं, उनके भी बात करेंगे। आई थिंक कुछ मैसेज आया है हमारा चैट बॉक्स में। ओके, तो आज हम उन सब चीज़ों की क्या करेंगे, बात करेंगे। सबसे पहले हमारे पास ईव के अंदर होगा एक राउटर, सी एस आर राउटर, ठीक है। सी एस आर राउटर हमारा कनेक्टेड है क्लाउड से, जो कनेक्टिविटी थी वो पहले जैसी ही है, बट राउटर सिर्फ चेंज हो गया। या तो iOS XE होना चाहिए या फिर iOS XR होना चाहिए या फिर आपका NX OS होना चाहिए, अगर आप नेटकॉन्फ के साथ वर्क कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके बाद आपको एक IP कॉन्फ़िगर करना है, जैसे कि हमारे केस में राउटर पे IP है 192.168.125.130/24। उसके बाद आपको इनेबल करना है SSH, ठीक है। एक यूज़र नेम बनाना है, पासवर्ड बनाना है प्रिविलेज लेवल 15 के साथ। उसके बाद आपको इनेबल करना है नेटकॉन्फ यैंक के साथ भी। वैसे नेटकॉन्फ का ट्रांसपोर्ट बाय डिफॉल्ट SSH ही होता है, बट आप फिर भी डिफाइन कर सकते हो कि नेटकॉन्फ के लिए जो ट्रांसपोर्ट मैं यूज़ करूँगा वो क्या रहेगा, SSH का ट्रांसपोर्ट रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमें इतनी कॉन्फ़िगरेशन करनी है अपने राउटर पर। तो उसके लिए सबसे पहले ईव ऑन करना है, जो मैं ऑलरेडी ईव ऑन कर चुका हूँ। उसके बाद ईव का एक्सेस आपको लेना है, ईव का एक्सेस हमारे सामने है और ये मेरा राउटर है। इस राउटर को करते हैं स्टार्ट। जब तक ये राउटर स्टार्ट हो रहा है आपका, तब तक हम चलते हैं VS कोड में, राइट। VS कोड में बात कर लेते हैं तब तक। अब VS कोड मैं ओपन कर लेता हूँ यार। ये मैं कर देता हूँ डिलीट, क्योंकि हम इसको करेंगे अब स्क्रैच से। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, इंस्टॉल NC क्लाइंट इन योर लैपटॉप यूजिंग कमांड। टू इंस्टॉल NC क्लाइंट इज, बताई थी मैंने आपको कल लास्ट क्लास में भी, पाइथन m pip install NC client। तो सबसे पहली चीज आपको ये करनी है। अब मैं अगर CMD में जाता हूँ, pip list ऐसे कमांड थी, हाँ राइट। तो अगर मैं ये कमांड चलाता हूँ python m pip list, इसमें आप देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पर क्या है, NC client, राइट। आप चाहें तो आप क्या कर सकते हैं, python एम पिप अनइंस्टॉल NC क्लाइंट, यस अनइंस्टॉल कर दिया इसको। दोबारा से चेक करता हूँ पाइथन एम पिप लिस्ट, इसमें आपको दिखेगा अब NC क्लाइंट प्रेजेंट नहीं है। तो मैं बता देता हूँ आपको, आपके लिए मैंने किया है स्टार्टिंग से कैसे इंस्टॉल करना है, ठीक है। तो आप यहाँ कमांड चलाएंगे पाइथन एम पिप इंस्टॉल NC क्लाइंट, सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड NC क्लाइंट। ये कह रहा है कि भाई पाइथन का जो आपका पिप है ना, उसका भी एक अपग्रेडेड वर्जन प्रेजेंट है, आप चाहो तो अपग्रेड कर लो। तो करना हो तो कर सकते हो भाई, पाइथन NSM pip install अपग्रेड, ठीक है।
ये पुराना पिप इंस्टॉल कर देगा और नया पिप क्या हो जाएगा आपका इसमें आ जाएगा। ये तो एडिशनल था, इसका अभी के टॉपिक से कोई लेना देना नहीं है। इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, अब हम अपनी पाइथन की यहाँ स्क्रिप्ट लिखना स्टार्ट करेंगे, सॉरी नेट कॉन्फ। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे हम उसमें करते थे इंपोर्ट टेलनेट लिब फ्रॉम टेलनेट लिब इंपोर्ट टेलनेट, ऐसे करते थे राइट, या फिर हम क्या करते थे इंपोर्ट करते थे किसको, नेटमीको, या फिर नेटमीको से इंपोर्ट करते थे फ्रॉम नेटमीको इंपोर्ट कनेक्ट हैंडलर। ऐसे ही आज आपको क्या इंपोर्ट करना है, इसमें इंपोर्ट एनसीसी क्लाइंट। अब एनसीसी क्लाइंट में ना, जैसे कि हम एसएसएच के केस में जब कर रहे थे नेटमीको में, तो नेटमीको में हम कनेक्शन बनाने के लिए क्लैक कनेक्ट हैंडलर नाम का मॉड्यूल यूज करते थे, तो उसी कनेक्ट हैंडलर मॉड्यूल को क्या करते थे हम स्पेसिफिकली यहाँ पे इंपोर्ट करते थे। ऐसे ही आप यहाँ पर वही स्पेसिफिक मॉड्यूल क्या कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं फ्रॉम एनसी क्लाइंट इंपोर्ट मैनेजर। तो आप देखोगे मैनेजर यूज करेंगे हम एक एस नेटकॉन्फ सेशन बनाने के लिए, किसके साथ, आपके राउटर के साथ। उसके बाद जैसे कि हम किस में करते थे, नेटमिको में एक डिक्शनरी बनाते थे, वैसे मैं यहाँ एक डिक्शनरी बनाऊंगा राइट। तो मैंने डिक्शनरी बना ली होस्ट। अब होस्ट में आपको डिक्शनरी में देना, सबसे पहले होस्ट, एक सेकेंड, व्हाट्सएप पे बार बार मैसेजेस आ रहे हैं, लॉग आउट कर देता हूँ इसको। होस्ट, होस्ट में हम क्या देते थे, राउटर का आईपी। वैसे यहाँ भी आपको क्या करना है, राउटर का आईपी डिफाइन करना है। अब राउटर का आईपी क्या है वो तो देखना पड़ेगा हमें, राउटर पे जाकर के देखेंगे तभी तो पता लगेगा। तो क्या करते हैं, हम चलते हैं अपने ईव में, ईव में राउटर का एक्सेस लेते हैं, इनेबल शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ एक्सक्लूड अनअसाइंड। आईपी क्या है, 192.168.150.30। ये मेरे राउटर का आईपी। उसके बाद यूजर नेम पासवर्ड राइट, लेकिन इसके साथ साथ आपको क्या डिफाइन करना है यहाँ पे, पोर्ट नंबर, क्योंकि पोर्ट नंबर हमारा नेटकॉन्फ का यूज कर रहा है 830। यूजर नेम, अब यूजर नेम आप कहोगे मैनुअल देना जरूरी है, नहीं, जैसे पहले डायनामिक करते थे वैसे कर सकते हो आप इसको। पासवर्ड सिस्को राइट। अब मैं जा करके देखता हूँ मेरे राउटर पर, शो रन पाइप सेक्शन यूजर नेम, यूजर नेम एक क्रिएटेड है यहाँ पे एडमिन, प्रिविलेज 15 और पासवर्ड क्या आपका सिस्को। शो रन पाइप सेक्शन नेट कॉन्फ भी कॉन्फिगर्ड है राइट, बट मैं आपके लिए यहाँ लिख देता हूँ कि क्या क्या कमांड्स चलानी है। तो सबसे पहले आपको करना है लाइन VTY024 ट्रांसपोर्ट इनपुट SSH लॉग इन लोकल एग्जिट, क्रिप्टो की जनरेट RSA मॉड्यूलस 1024 एंड लेबल माई की। अगर आप ये करोगे तो आपको फिर डोमेन नेम वगैरह देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर क्या करना है, यूजर नेम एडमिन प्रिविलेज 15 पासवर्ड सिस्को, ठीक है, नेटकॉन्फ यांग एंड नेटकॉन्फ SSH। ये आपको अपने राउटर पे कॉन्फ़िगर करना है, आईपी तो हमने कॉन्फ़िगर किया ही हुआ है राइट। इतना कॉन्फ़िगर करने के बाद हम आ जाते हैं VS कोड में। अब यहाँ आपको एक चीज़ और करनी पड़ती है एडिशनल, जो हम SSH वगैरह में नहीं करते थे, नहीं उसमें नहीं करते थे नेटमीको में, वो क्या है यार, यहाँ एक SSL वेरीफिकेशन नाम की चीज़ होती है राइट, वो आपको यहाँ डिसेबल करनी पड़ती है, होस्ट की वेरीफाई, उसको क्या बताना पड़ता है, फोन्स
होस्ट की वेरिफिकेशन क्या करना पड़ता है आपको, यहाँ फॉल्स करना पड़ता है कि हमें यहाँ पे एसएसएल वेरिफिकेशन वगैरह नहीं करवाना है, हम नॉर्मल इसको एसएसएच बेस्ड क्या कर रहे हैं बना रहे हैं। इतना करने के बाद ये होगी डिवाइस की इंफॉर्मेशन। फिर हम नेटमिको के टाइम पे क्या करते थे, हम बोलते थे एसएसएच इज इक्वल टू, राइट, फिर आप लिखते थे कनेक्ट हैंडलर। अभी तो मैंने कनेक्ट हैंडलर इंपोर्ट नहीं कर रखा तो मुझे ऑप्शन नहीं दे रहा। फिर मैं कनेक्ट हैंडलर लिख करके क्या करता था, ब्रैकेट के अंदर डबल एस्ट्रिक लगा करके डिक्शनरी का नेम देता था। तो ऐसे आप यहाँ करोगे, यहाँ आप कुछ भी नेम दे सकते हो। मान लो मैंने नेम दे दिया नेटकॉन्फ, नेटकॉन्फ इज इक्वल टू मैनेजर, जो भी इंपोर्ट किया था ना, डॉट कोल होम कनेक्ट कनेक्ट आईओपी आरओसी कनेक्ट एसएसएच, ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस हैं। हमें क्या करना है, सिर्फ यहाँ पर कनेक्ट करना है, ठीक है। कनेक्ट करने के बाद डिक्शनरी को कॉल करने के लिए तो अभी भी क्या यूज करोगे आप, डबल एस्ट्रिक, बस इतना करना है। फिर आप करोगे प्रिंट नेटकॉन्फ सेशन इज एस्टेब्लिश्ड वेलकम टू मॉडल ड्रिवन प्रोग्रामेबिलिटी, वेलकम टू मॉडर्न ड्रिवन, सॉरी मॉडल ड्रिवन प्रोग्रामेबिलिटी, ठीक है। इतना हो जाएगा, कनेक्शन बन जाएगा आपका। बट कनेक्शन बना के क्या करना है, सिर्फ कोई आउटपुट तो चाहिए हमें, राइट। सिर्फ कनेक्शन बनाना इनफ नहीं है, हमें क्या चाहिए अपने डिवाइस से, कुछ आउटपुट चाहिए। अब कुछ आउटपुट लेना है तो फिर हमें कोई ना कोई तो ऑपरेशन यूज करना पड़ेगा। जैसे हम यूज करते थे किस केस में, एसएसएच के केस में, जब नेटमिको था तो मैं करता था सेंड कमांड। अब कमांड भेजते थे और कमांड का आउटपुट आता था कौन से फॉर्मेट में, ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में हमें दिख रहा होता था, राइट। इस बार हम किस में है, मॉडल ड्रिवन प्रोग्रामेबिलिटी पे, तो हम वैसे डायरेक्ट कमांड तो नहीं भेज सकते, हम डायरेक्ट कमांड्स नहीं भेज पाएंगे वैसे। जैसे हम किस में भेज रहे थे, आपके टेलनेट लाइब्रेरी या फिर नेटमिको लाइब्रेरी के केस में हम सेंड करते थे, वैसे नहीं करेंगे अब यार, राइट। अब हम यूज करेंगे नेटमिको के डेटा स्टोर्स, सॉरी नेटमिको बोल रहा हूँ, नेटकॉन्फ के डेटा स्टोर्स। नेटकॉन्फ में डेटा स्टोर्स होते हैं कुछ, ठीक है, जिनके अंदर आपकी इंफॉर्मेशन क्या होती है, स्टोर्ड होती है। आपको उसमें एक है रनिंग, ठीक है, एक होता है आपका स्टार्टअप और एक होता है आपका कैंडिडेट। एक्सप्लोर करेंगे सभी को बारी बारी। तो मैंने क्या किया था आप लोगों के लिए, एक डेस्कटॉप इसको क्विट कर दो। तो यहाँ डेटा स्टोर है आपके पास, एक रनिंग डेटा स्टोर है, ठीक है, एक कैंडिडेट है और एक आपका स्टार्टअप। एक और भी होता है यूआरएल, एक और भी होता है इसमें, इसको हम क्या बोलते हैं, यूआरएल बोलते हैं, ठीक है। अभी हम यूज कर रहे होंगे कौन से डेटा स्टोर का, रनिंग डेटा स्टोर का यार। तो रनिंग डेटा स्टोर को यूज करके हम देखेंगे हमारे डिवाइस की रनिंग कॉन्फ़िगरेशन, और फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि उस रनिंग कॉन्फ़िगरेशन को फिल्टर कैसे कर सकते हो आप। आप चाहो तो उस रनिंग कॉन्फ़िगरेशन को फिल्टर भी कर सकते हो, ठीक है। उसके लिए फिर हमें फिल्टर लगाना पड़ता है। अब मैं चाहता हूँ रनिंग कॉन्फ़िगरेशन, तो मैंने बोला रनिंग कॉन्फ़िगरेशन मुझे उठानी है डिवाइस इज इक्वल टू नेट कॉन्फ नाम यूज किया था, जैसे वहां करते थे ना एस 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 डॉट सेंड कमांड, एस 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 डॉट सेंड कॉन्फिग सेट, ऐसे ही आपको यहाँ करना है नेट कॉन्फ। अब नेट कॉन्फ के बाद मुझे क्या करना है, फंक्शन यूज करना है कौन सा, गेट। गेट में भी कौन सा, कॉन्फिग। तीन डेटा स्टोर है, कितने डेटा स्टोर है, तीन डेटा स्टोर। तो हमने इस बार कौन से डेटा स्टोर को यूज किया, रनिंग वाले डेटा स्टोर को, स्टार्टअप रनिंग, उस स्टार्टअप को भी यूज कर सकते हो आप,
कैंडिडेट भी है। बात करेंगे क्या डिफरेंसेस है, अभी हम कौन से डेटा स्टोर में से इन्फॉर्मेशन लेके आ रहे हैं, रनिंग में से, फिर वो भी देखेंगे कॉन्फ़िगरेशन कैसे पुश करते हैं, वो बात भी आएगी। रन कॉन्फिग इज इक्वल टू नेट कॉन्फ डॉट गेट कॉन्फिग, और कौन सा डेटा स्टोर, रनिंग डेटा स्टोर। उठा लिया डेटा, अब डेटा उठाने के बाद क्या करना है, इसको प्रिंट करना है। मैंने बोला प्रिंट रन कॉन्फिग, ठीक है, रन कॉन्फिग में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ रनिंग कॉन्फिग भी यूज कर सकते हैं। तो हमने बोला रनिंग कॉन्फिग, अब इसको किया सेव, और सेव करने के बाद रन करते हैं डीबग नेटकॉन्फ पीएम, ठीक है, और डीबग नेटकॉन्फ डीबगिंग करने के बाद मैं इसको करता हूँ एग्जीक्यूट। netconf session is established, welcome to modern driven model driven programmability, ये आ गया आपका सारा का सारा रिप्लाई। अब netconf में ना तीन चीजें होती हैं यार, एक RPC होता है रिमोट प्रोसीजर कॉल, एक RPC रिप्लाई होता है, और एक RPC एरर होता है। एक RPC होता है, तो जब आप ये भेज रहे हो ना, ये स्क्रिप्ट रन कर रहे हो, तो उस केस में आपका डिवाइस एक RPC भेज रहा है। RPC stands for रिमोट प्रोसीजर, की स्पेलिंग पता नहीं क्या होती है यार, कॉल RPC। तो एक RPC भेजते हो आप, उसका आपको RPC रिप्लाई मिलता है। कभी कभी कुछ चीज़ें सही ना हो तो RPC एरर भी आ जाता है। तो आप यहाँ देख सकते हो RPC का क्या आ रहा है, रिप्लाई। अब उस रिप्लाई में आपके सामने ये डेटा आ गया, ये डेटा मैंने आपको पहले भी दिखाया था, तो आपको बिल्कुल नया नहीं लग रहा, आप इससे ऑलरेडी फैमिलियर हो। कौन से फॉर्मेट में डेटा यार, कौन सा डेटा फॉर्मेट है, XML, वेरी गुड, कौन सा डेटा फॉर्मेट है ये आपका, XML डेटा फॉर्मेट। अब इस XML डेटा फॉर्मेट को हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, थोड़ा सा अच्छे तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अब मैंने इसको किया कॉपी, उसके लिए या तो आप हेल्प ले सकते हो किसकी, ब्राउजर की, जिसमें आप इसको XML को प्रीटी XML में क्या कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो। यहाँ आपको XML डालना है, सॉरी कॉपी नहीं किया उसको हमने, यहाँ से कंट्रोल सी कंट्रोल वी रन प्रीटी, ये आ गया आपका सारा का सारा प्रीटी फॉर्मेट, ठीक है, सारा का सारा प्रीटी फॉर्मेट है आपका ये, इसमें आपको सारा थोड़ा मतलब सीक्वेंस में दिख रही है चीज़ें। आप चाहते तो आप इसको किसमें भी कन्वर्ट कर सकते थे, XML टू JSON कन्वर्टर, जो मैंने आपको कल भी दिखाया था, इसको यहाँ कंट्रोल वी किया, ये आ गया आपका रिप्लाई, राइट, वर्ड पैड ये देखिए, ये आगे आपके सारी की सारी रनिंग कॉन्फ़िगरेशन, कौन से फॉर्मेट में, जेसन में, RPC रिप्लाई है, डेटा है, वर्जन है 16.12, उसके बाद कॉल होम सर्विस, सर्विस टाइम स्टैम्प, लॉग डेट टाइम, कॉल होम प्लेटफॉर्म कंसोल, होस्ट नेम राउटर है, यूजर नेम में नेम, एडमिन प्रिविलेज 15, पासवर्ड में फिर इंक्रिप्शन पासवर्ड सिस्को, फिर मल्टीकास्टिंग, उसके बाद एक्सेस लिस्ट कोई कॉन्फ़िगर नहीं है, फिर इंटरफेसिस आ गए आपके, इंटरफेसिस पे क्या कॉन्फ़िगरेशन है, सब आ गया आपका, कौन से फॉर्मेट में, जेसन फॉर्मेट, राइट। आप चाहो तो किस में भी कन्वर्ट कर सकते थे इसको, YAML, ये ठीक है। तो ये हमारा डेटा था, कंट्रोल सी
इसके बस की है नहीं, इसमें दूसरी बात कर सकते। कॉपी ये आपका ईएमएल है, ये और भी थोड़ा सिंपल सा दिखता है उससे तो, राइट। इस तरीके से आप इनको कर सकते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि जब मुझे यहाँ आउटपुट मिल रहा है, जब मुझे पाइथन में आउटपुट मिल रहा है, उसी टाइम पे वो आउटपुट मुझे किस में मिले, प्रीटी एक्सएमएल में आ जाए। जेसन में भी कर सकते हैं, उसके लिए जेसन इंपोर्ट करना पड़ता है। अभी हम किस में कन्वर्ट करते हैं इसको, प्रीटी एक्सएमएल में। अब प्रीटी एक्सएमएल में कन्वर्ट करने के लिए आपको यहाँ एक और चीज़ इंपोर्ट करनी पड़ेगी, फ्रॉम, अजीब सा नाम है इसका यार, एक्सएमएल डॉट डोम मिनी डोम। अभी याद ही रखना पड़ेगा इसको, और कोई तरीका नहीं, ठीक है। फ्रॉम एक्सएमएल डॉट डोम डॉट मिनी डोम इम्पोर्ट पार्स स्ट्रिंग, क्या इम्पोर्ट करना है हमें, पार्स स्ट्रिंग इम्पोर्ट कर। अब आप चाहो तो दोनों कर सकते हो, इसको नॉर्मल एक्सएमएल में भी प्रिंट करवा सकते हो, प्रीटी एक्सएमएल में भी प्रिंट करवा सकते हो। डबल डबल मेहनत क्यों करवानी है, हम डायरेक्ट ही किसमें कन्वर्ट कर लेंगे इसको, प्रीटी एक्सएमएल। तो आपने बोला कि प्रीटी एक्सएमएल रन, जो हमारी एक्सएमएल है उसको प्रीटी एक्सएमएल में कन्वर्ट कर देंगे किसको, रनिंग कॉन्फ़िग को। कैसे, यूज करके मिनी डोम में से कौन सा मॉड्यूल, पार्स स्ट्रिंग, ठीक है। पार्स स्ट्रिंग में आपका क्या था, रनिंग कॉन्फ़िग नाम से आएगा आपका फाइल, जो डेटा आएगा वो किस में आएगा, रनिंग कॉन्फ़िग। और रनिंग कॉन्फ़िग का जो एक्सटेंशन है वो क्या होगा यार, बताएगा आप में से कोई एक्सटेंशन क्या होगा इस बार। इस बार एक्सटेंशन होगा एक्सएमएल, राइट। जैसे डॉट टेक्स्ट होता है, डॉट जेपीजी होता है, ऐसे होता है, वैसे ही जब ये इस चीज़ का आउटपुट आएगा ना, इस वाले का, वो आएगा एक्सएमएल में। तो हमने बोला पार्स स्ट्रिंग करना है आपको रनिंग कॉन्फ़िग डॉट एक्सएमएल को, किसमें, प्रीटी एक्सएमएल में, टू प्रीटी एक्सएमएल, ठीक है। और फिर लास्ट में आप क्या बोलोगे, प्रिंट प्रीटी एक्सएमएल रनिंग फ्रॉम एक्सएमएल डॉट डोम डॉट मिनी डोम, इंपोर्ट करना है आपको पार्स स्ट्रिंग, उसके बाद प्रीटी एक्सएमएल रनिंग में जाना है। मतलब प्रीटी एक्सएमएल रनिंग तो मैंने क्या बनाया, एक वेरिएबल बनाया इज इक्वल टू है पार्स स्ट्रिंग रनिंग कॉन्फ़िग डॉट एक्सएमएल, और उसको कन्वर्ट किस में करना है, टॉप प्रीटी एक्स टू प्रीटी एक्सएमएल में। सेव किया, एग्जीक्यूट किया, ये लीजिए आपके सामने, राइट। कौन सा फॉर्मेट आ रहा है इस बार, थोड़ा सा क्लीन आ रहा है, राइट। जैसे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसा हमें देखने को मिल रहा है। आरपीसी रिप्लाई, राइट। अब आप यहाँ कैप्चर करने जाओगे ना तो कुछ नहीं दिखेगा आपको यार, क्योंकि एसएसएच के साथ क्या है, ये चीज इनकैप्सुलेटेड है। अगर एसएसएच के साथ इनकैप्सुलेटेड है तो फिर हमें वायर्स आर्क में थोड़ी कुछ दिखेगा। ये लो मैं दोबारा रन करता हूँ, तो आप सोच रहे हो वायर्स आर्क में दिखा देगा, वायर्स आर्क में कुछ नहीं दिखेगा। यहाँ जा करके हम गए वायर्स आर्क में, देखा वायर्स आर्क में, भाई वायर्स आर्क में तो सब कुछ ही क्या है, इनक्रिप्टेड। ये बेसिक दिख जाएगा कि डेस्टिनेशन पोर्ट क्या है, 830 है, कुछ डेटा तो है बट पता नहीं क्या डेटा है, वो चीज़ नहीं दिखेगी आपको। नेटकॉन्फ वगैरह का अंदर का जो सिस्टम है वो नहीं दिख पाएगा यार, क्योंकि सब कुछ ही क्या है इसमें, आपका इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में, ठीक है। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन आपको अभी नहीं, चलो फिर क्या करते हैं, यहाँ डेटा स्टोर में रनिंग की बजाय स्टार्टअप करके देखते हैं, फिर क्या बोलता है, ट्राई करने में क्या जाता है, राइट। रन किया,
अनसपोर्टेड कैपेबिलिटी। क्या ये चीज आपकी अनसपोर्टेड कैपेबिलिटी है? क्या किया जाए फिर अब? इसने तो अनसपोर्टेड बता दिया। तो हमारे राउटर पे चलते हैं शो स्टार्टअप कॉन्फ़िग। स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन में डेटा तो है राइट, बट वो चीज़ आपको यहाँ दिखा नहीं था। चलो कोई बात नहीं, देख लेंगे स्टार्टअप कॉन्फ़िग को भी, कोई बड़ी वो नहीं है चीज़। बट अभी के लिए हम क्या करते हैं, चलो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन पे फोकस करते हैं, क्योंकि स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन वगैरह हम तो देखेंगे जब हमें कॉन्फ़िगरेशन वगैरह सेव भी करनी होगी। ठीक है, तो यहाँ तक बताइए, इतने में आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं है? इतने सिर्फ इतना ही दिखाया नेटकॉन्फ के डीबग्स में कि यूजर एडमिन था, ऑथेंटिकेट हो गया सक्सेसफुली, ये आईपी आया था 192.168.125.1, ये मेरे पीसी का आईपी है, और नेटकॉन्फ था यूज़ क्या कर रहा था वो एसएसएच, और प्रिविलेज लेवल क्या था उसका 50। इतना ही आउटपुट दिखा रहे, डेटा स्टोर वगैरह का आउटपुट नहीं शो कर रहे आपके डीबग में। ठीक है, हाँ जी, अगर हम फिल्टर लगाते हैं नॉर्मली, हम अगर राउटर की बात करें तो मैं क्या करता हूँ, मैं चेक करता हूँ शो रनिंग कॉन्फ़िग सेक्शन राउटर ओएसपीएफ फॉर एग्जांपल। अभी तो राउटर ओएसपीएफ कॉन्फ़िगर्ड नहीं है, या फिर हमें कॉन्फ़िगरेशन मान लो चेक करनी हो लाइन VTY, तो यहाँ सिर्फ लाइन VTY की कॉन्फ़िगरेशन मैं चेक कर रहा हूँ। मैं क्या चाहता हूँ कि भाई मैं जब नेटकॉन्फ के थ्रू रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, एपीआई रिक्वेस्ट भी बोल सकते हो आप इसको, या फिर आरपीसी राइट, रिमोट प्रोसीजर कॉल कनेक्शन, तो इसमें मैं चाहता हूँ कि जो आउटपुट है वो फिल्टर होकर के आए, कि मुझे सिर्फ लाइन VTY का इन्फॉर्मेशन चेक करनी है, ज़्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो उसके लिए हमें फिल्टर लगाना पड़ता है इसमें। ठीक है, यहाँ इसके बाद ऑप्शन आता है किसका, फिल्टर का। फिल्टर इज इक्वल टू, पहले फिल्टर आपको डिफाइन करना पड़ता है कि फिल्टर क्या करना चाहते हो आप, तो बात करेंगे उसकी कल के सेशन में। सिर्फ आज आपको यही अचीव करना है, सबसे पहले आपको ये राउटर चलाना है CSR, उसके बाद आपको इतना सा स्क्रिप्ट रन करना है, और उससे पहले आपको ये कॉन्फ़िगरेशन करनी है CSR राउटर पर। ठीक है,